तमे जो आ मंदिर मंदिरे आपणे जाईने दर्शने एटले बाहर बूट संपल केटला पड्या ने एना उपरथी खबर पड़ी जाय के मंदिर में केटलुं माणस छे। भाई निकोलस भाई बोलो मंदिर नी बहार तमे बूट संपल जोवो एनी उपरथी खबर पड़ी जाय के ए मंदिर में केटलुं माणस केटलुं नहीं केवुं छे ई खबर पड़ी जाय बूट संपल उपरथी। तो एक बार कई सारो प्रसंग हे अने एटला बधा बूट संपल बहार पड़ेला सकड़ा भरी गयो आय हूँ क्यों तमे आ बाजू सकड़ा ने हाँ सकड़ो बारे मास आ सकड़ा न होत तो अर्धा मारा वांढा रहे तो आ टाइमे संबंध तो सकड़े कराव्या। मन बहु गमे वाहन साइड आपे नहीं साइड कापे नहीं बद 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 समाज में घना एवं बहु बूट संपल नी वात पण आ दाखलो मन बहु गमे छे। पछी फरमाइश आवी छे पछी गर्धणी नी फरमाइश आवी आ मुख्य यजमान नी एनी फरमाइश आवी तो लेवी ज पड़े कारण के अमारे सवारे एने ज मळवानो होय। अने खरेखर साहेब मने खूब मजा आवे आ दिल थी कहूं खरेखर मजा आवे। एटला बधा बूट संपल साहेब महेंद्रसिंह हवे संपल बूट संपल एटला बधा भेगा थया एने समाज तो होय ज एनी नातनो प्रमुखे आवेलो होल बूट गोठण सुधी दोरीवाळा बूट ई होल बूट ई ई एने नातनो वडो अने एक साथे एटला बधा समाजने जोयो एटले समाजना प्रमुख एटले तरत भाषण चालू करी दीधुं माइक ले आव्या शेकानो तारा माए के हूँ भाड़ा नत कर्या दोस्त राजदूत थी मांडीने नायतना वडो तरत उभो थयो ने तमने को सभानु संबोधन कर्यु नायतना प्रमुखे चालू कर्यु आजनी सभामां उपस्थित समाजना विविध क्षेत्र में पधारेला समाजना आगेवानो दोरीवाळा भाईओ दोरी वगरना भाईओ एडीवाळा भाईओ एडी वगरना भाईओ बहारथी पधारेला मारा एनआरआईओ अने उशी एडीवाळी मारी सैंडल बहनों जय हिंद जय भारत नमस्कार। घणा समय पछी बहोळी संख्या में पहली बार मळ्या छे बहनों भाईओ। समाज ज्यारे एटलो बधो भेगो थयो छे त्यारे वर्षोनी पड़ेली मारा हृदयनी वेदना आज होठ पर आवी छे बेनो भाईओ। एटले समाजने मारे एक वात करवी छे आ कोण होलबूट बोले तमे घडीक मायो आयर बोले छे भूली जाजो बूटनी नातनो वडो बोले छे वर्षोनी पड़ेली वेदना मारा हृदय में पड़ी थी आज होठ पर आई है बेनो भाईओ। भगवान एम कहे कि जे सेवा करतो हशे एनु स्थान मारा हृदय में हशे तो बेनो भाईओ आपड़ा समाज जेटली कोण वधारे सेवा करे छे पछी बूट होय तोय भले संपल होय तोय भले। आपणे समाजना पग नथी बळवा देता कांटा नथी लागवा देता काकरा नहीं लागवा देता कीचड़ में आपड़े पड़ीए छे एनो पग पण नहीं बगड़वा देता आपड़ी हगतळियुं गाहाई गयुं बेनो भाईओ। तो हृदय में राखवानी वात तो न्या गई भगवान अपने मंदिर में नहीं गड़वा देता अपनी पर अन्याय थई रह्यो छे बेनो भाईओ। तनायत केले आ तो अपने खबर ज नहीं एटले बेनो भाईओ अमे एटले प्रमुख बन्या छीए तनायत तरत के तो आनु शुं करवुं आपणे माटे आंदोलन करो बेनो भाईओ। हळदरना गाठिए गांधी थवानी शुरुआत कराओ तनायत ने तीज जोतुं तो तरत आंदोलन शुरू कर्युं भाई बूट संपल उल्या हमारी मांगे पूरी करो हम कने उल्ले कारण के आम पगथिया पासे पड़ेला एटले मूर्ति देखाय त्यां सुधी ऊसुं थावुं पड़े ने हमारी मांगे पूरी करो भोख दीने पड़े पास। पूंजारी सांभळी गया पूंजारी आव्या बाजूमां એટલે શું વાત કરો છો શાંતિ રાખો અવાજ નથી કરતા આંદોલન છે તું એક બાજુ વિયો જા भगवान हेरे वांधो से, तमारे हेरे मारे काई वांधो नथी। भगवान तो सर्वव्यापी होवो जोईए, नाना मोटाला भेदभाव न होय, अने एने बदले अमने मंदिरमां नथी गड़वा देतो। पूजारी के न गड़वा दे, केम शुं काम न गड़वा दे, अमारी शुं वांधो? ए के तमे सांभळा ना छवो, तमे हेना छवो। पूजारी ढीला पड़ी जाय, गला वात से तो सांभळानो ज कोथळो। भगवान सांभळी जाय, भगवान पूजारीने कीधुं के अहीं आवे हूँ से बहार आंदोलन बूट संपल। भगवान कहते तो एक कोर मने जावा दे, एक कोर कीधु पूजारी नो मगज गयो भगवान ऊपर। हूँ एक कोर एम जा न्या दादा नो खावानो छे, जा तरी वरत हूँ टंकोरी वगाड़ू, कोई दी हामू न जोईने बूट संपल के एक कोर जा न्या। पूजारी बेही गया दरवाजा नी पाछळ, मिळ्या वाट्यू वणवा। थाल आपणे धीर्या रोज, कोई दी हामू न जोईने बूट संपल के एक कोर रे जा न्या। धजाऊ अमी सडावी, टाइमे टाइमे तारो थाल अमी धरीए छई, तने धरीने पछी अमी खाई छई। जा भगवान आव्या ने ऊभा रह्या, बूट संपल ने कीधुं हूँ से भाई। परमात्मा पोते आवे एटले थोड़ा धीरा तो पड़े। नाइतनो प्रमुख एक बोल्यो, प्रभु अन्याय से हमारी माते। शेनो? के तमे तो विश्वभर छो, तमे सर्वव्यापी छो, तमारी आगळ नाना मोटाना भेदभाव होय नहीं। भगवान के नो ज होय। तब तो एम बारा केम? एक बाजू तमे एम कहो छो के जे सेवा करतो हशे एनु स्थान मारा हृदयमां, तो मारा समाजनी सेवा जवो तमे। हम जवो। पूजारीए शुं कीधुं? पूजारीए एम कीधुं के सांभळाना छो एटले बराबर से पूजारीनी वात। पूजारीनो पक्ष तो भगवानने राखवो ज पड़े। हूँ खरेखर द्वारका जाऊँ ने, द्वारका तो ज्या मूर्तिने तो अडवा तो आपणे जवाना ज नथी। द्वारका एना पूजारीने हूँ बहु पगे लागू, कारण के रोज ई मूर्तिने नवरावे छे, तो एने आपणे अडी लईने तो भगवानने अड्या बराबर छे। अने तमारा गामनो पूजारी, तमारा गामनो साधु, तमारा गामनो ब्राह्मण आ एटला सुखी होय ने एटला आखुं गाम सुखी थाय। हाचुं तो ई ध्यान राखे। पण अमुक बापू एवा होय एने साधुता निभाववी जोईए 100%। पण पोताना न पोताना अवेड़ा भरशो ने तो पोताना न पोताना गामना पाणी प्राणी पाणी पीए, ई खास ध्यान। એટલે બાપુએ કીધું, ભગવાને કીધું બરાબર છે, પૂજારીએ કીધું સાંભળાના છો એટલે ઈ પૂજારીએ કીધું ઈ બરાબર કીધું, તા તો બૂટ સંપલે ભગવાન સામું કીધું, વાહ ए नीति राखो। भगवान के हूँ नीति बारो जाऊँ, नीति सुई क्या तमी भाई? आ सांभळा ना सही एटले बारा सही क्या? आ नगारो हेनु छे? तो भगवान ढीला पड्या, केला वात हासी छे। भगवान ढीला पड्या ता तो हामा वाला उपाड़ो लीधो, आवु होवु जोवे, नीच्यु राखो। सांभळी लेजो भगवान, अमारो समाज काई ओछो नथी। विश्वमां जेटलो समाज छे एनी करता में डबल छे, कारण के एक व्यक्तिने अमारा बे भाईओनी जरूर पड़े। एटलो अमारो बोळो समाज होवा छतां तमे अमने अंदर गड़वा देता नथी। अने सांभळी लेजो भगवान, आ बधा काई तमारा दर्शने नथी आवता हो। हां, अमुक अमारी हाटुई आवे छे। भगवान के भाई तमारी बात हाची है, पर नगारू मारी पाहे केम अने तमे बारा केम? एनो जवाब अत्यारे कारना पूजारी वाट्यू वणे। आरती नो टाइम थयो छे, आरती पूरी थई जाय पछी आपणे स्पेशल मीटिंग लेशुं। तमे बारा केम ने नगारू मारी पाहे केम एनो हूँ तमने जवाब आपीश। तो भगवान हम ओला बोल्या के ए नीच्यु राखो। आरती पूरी छे पछी कोई अमने अहीं रहेवा दे नहीं, पेरीने आव्या ए जीकता जाए। अने जेना घरनी भेळे होय एना घर अमारे जो कुतरा पाहे सूथवे अमने आवडा, अमारी वाधरियो नथी रहेवा दीजो। भगवान के कोईने नहीं जावा दऊं, तमने वचन आपू छूं, वचन आपू छूं। एम कीधुं कोईने नहीं जावा दऊं, एटले नायतना प्रमुखे नायत हामु कीधुं के बेही जाओ। भगवान बोल्यो न फरे, ई नेता नथी बोलीने वेता मूके। एक सूटनी में नवा नवा ये फॉर्म भरेलो हाव अने ताजा होय नी बोले बो भाइयो तथा बहनों तमारा गाम में मत माटे आव्यो छो आ शीहू नाख्यो काळ में शीहू आपने एम थाय का मत लेवा आव्या का आपने मारवा आव्या तमारा जे काई प्रश्न हो ई क्यो तमाम प्रश्न हल करवामां आवशे तो एक जणो ऊभो थीने के तमारा बापाना दाढीना 2 रुपया बाकी छे साहेब आडी अवली वातो करवामां मुद्दा नी वात लावो गाम ना काई प्रश्न हो ई बोलो ई तो आपणो अंगत प्रश्न छे एक दादा उभा छे ने कीधुं गामनो प्रश्न एक ज के शमशान नथी शमशान सापरी नहीं होय गाममां शमशान नथी पण आने तो बोलवानी ज उपडेली एकवार तमे मने जीतीने देखाडो एक शमशान नी घेरे घेरे नो करी नाखू तो कहेजो गामे मत नो दीधो ने मार्यो के तू तो निकळी जाय जी એટલે એ નાતના પ્રમુખે કીધું કે એ ભગવાન છે એ બોલ્યા ફરે નહીં માટે બેસી જાવ બધાય બેસી જવાનું કીધું તાર નાચે પ્રમુખામું કીધું વાહ તું નો તું ઊભા કર તું નો તું બેહાડ નકર અમે તો એમણે કિલોમીટર કાપી જ જાતા હતા એક કિલોમીટર ની વાત આવે એટલે કહું સાહેબ આ કિલોમીટર લખ્યા સરકારે કાપવાના આપણે છો आयथी साणंद 23 किलोमीटर लख्यु होय ज्यां तमे भूहीन जीरो कर नाखो साणंद ना आवी जाय किलोमीटर तो तमारे कापवा ज पड़े एटले कृष्णनुं वाक्य छे कर्या वगर मळतुं नथी ने करेलुं फोगट जतुं नथी कांई करवुं तो पड़े ज छे पछी कोई तमने एम कहेतुं होय के अमारा गुरुने मळी जाओ ने एटला रुपया धरी गयो ने थापो मारी दे अमारा गुरु एटले तमे मालामाल तो एने कहेजो गुरु ने छेलो तमे हाम हामा थापा मार्या करो नहीं तो तमारे क्यांय फाळा करवा जावुं नहीं हाम हामा मालामाल थई जाओ नहीं साहेब एवुं जो होत ने तो तमे एक ज खाई लेत ने तो तमारा छोकराने खावुं न पडत अथवा तो घरे बैठा बैठा तमारो परिवार जमी ले अने तमारुं नाम लेता जाए के तमे वडील जमी लेजो अमे जमी लीधा छे हे भगवान ई जम्या बराबर थई जाय थाय खरुं नहीं पोते ज करवुं पड़े कांई अत्यारे आपणे लेर करीए छे ने तो आगला भवना कांईक बेलेंस हशे ए अत्यारे प्रगट्या कारण के कांईक करेलुं हशे तो ज माणा थया होय अने माणा थया होय ने एमांय अत्यारे जे आपणे केवी केवी गाडीओमां फरीए जवो तो खरा ए रोड उपर जातो तो जाणे हेलारा मारतो वाह वाह एक भाई मने के आ रोड हारा बन्या पछी एक्सिडेंट बहु थाय मैं कीधुं आपणे हारा रोडना ड्राइवर ज नहोता ने એટલે आपणे कावाज मेरीवा बधे एक भाई ने मौज आई ने घर न हेलिकॉप्टर हतुं तो एक भाई ने कीधुं आजो आजो आटो मारो शीखवाड़ी दीधुं बेलेंस करता आ रीते करशो हेठुं आवशे आम करशो एटले साइड में जशे आ बेलेंस नुं ध्यान राखजो उतारते वखते आ कांटो आम आडो थई जाओ जो बेलेंस बराबर उतार दो बराबर गया अर्धो कलाक में पासा आव्या अरे के घड़ी कांटा मार्या होत तो ई के मूंझाणो बहु केम तक न्या मारे कावा कोनी हामा मारवा अमुक कावा मारवा हाटू हेठा वही आव्या नकर भगवाने तो खूब ऊंचाई आपी थी भाई पण खोटा कावा मारी नाखे एनो एक समजाय तो बहु एक नानो टूको ज दाखलो छे एक मेहमान आवीने घरे बेठेला सांभळजो एमां गर्धणी गाडू लईने वाडीएथी घरे आव्या मेहमानने मळ्या बेठा त्यारे मेहमाने गर्धणीने पूछ्युं तमारी वाडी बहु दूर लागे गर्दनी तो गाडू लीने आव्यो तो गाडा उपर बेसीने आव्या था एटले मेहमाने पूछ्युं के तमारुं ए तमारी वाडी बहु दूर लागे भाई के ना मारी वाडी दूर नथी एकदम गामनी नजीक छे तक तो तमारुं कूतरू केम बहु आपे कूतरू तमारुं गाडाने हारो तमारुं कूतरू छे ने के हा छे मारी वाडी ज कूतरो रे पण अत्यारे घरे आव्यो छे मारो ज कूतरो तो कूतरू एटलुं बधुं हाफे केम त्यारे गर्धणीए जवाब आप्यो के साहेब मारी वाडी तो एकदम गामना जापामां छे पण कूतरू हाफे छे एनुं कारण एक के भाई वाडीएली निकळ्या ने त्यारे रस्तामां जेटला कूतरा हामा मळ्या ने एमां बे वसड़का आम मारी आव्यो बे वसड़का आम मारी आव्यो आ आडा धकाई अने थकवी दीधो एम साहेब आपणे बहु टूकू जावुं छे बेफाम तो केटलुं थाकी जवुं पड्युं बेफाम नो शेर छे कि बेफाम तो केटलू थाकी जवू पड्यू बाकी जिंदगी नो मार्ग घर थी महान हुधी जावू शमशान हुधी ते पण चार चार जना उपाड़े राम बोलो भाई राम भगो राम राम अने कोई गुजरी गयो होय ने एने तमे ओळखता न होव ने अने सता तमारे जाणवू होय के आ केवी व्यक्ति हती तो कोईने पूछता नहीं हाव शेले पांच हाथ आल्या आवता ने हाव शेले एने सांभळी लेजो ई हाचा निर्णायको ई हशे अमुक छेले रोता आवता हशो छेले छे भले अमे ओळखताय न हरखो एनो संबंध नतो आपणे हारे पण अमारा गामनो काळी रातनो होकारो वयो गयो। त्रीजी वात एक भाई गुजरी गया ने कोने आप्या अच्छा लई लेशो सारी फरमाइश छे पण लास्ट फरमाइश आवे आ छेले बराबर लई ले चौक्स लई ले मारा बाप एटला एटला बाळको 12मा ધોરણની કવિતાની ફરમાઈશ કરે કેટલું ભણો આત્મો 8 9 10 11 ને 12 5 વર્ષ પછી આ કવિતા આવશે તમારે ભણવામાં 12મા ધોરણમાં કસુબીનો રંગ ઘણી કવિતાઓ કાઢ નાખે છે ઘણી કવિતાઓ છે કારણ કે અમુકને ભણાવતા જ ન આવડી આ 14 વર્ષની ચારણ કન્યા બોળી ઘળી ચારણ કન્યા આ આવતી કવિતા હવે લગભગ કાઢ નાખે છે ગઈ કારણ કે ભણાવ્યું જ નહીં અમુક શિક્ષકોએ મારા છાવજ કરજે છાવજ કરજે चौचो गरजे घिरे अमुक कविता नी ताकत होवी जोवे साहेब मूल बात मुको बात मूल बात ऊपर वही आऊ आ लई ले सोकस भगवाने कीधु को वयो नहीं जाओ कोई ने जावा नहीं दो पण नगारो मारी पाहे के मने तमी बारा के मेनो जवाब हूँ आरती पछी आपीश एटले बधाय रोकाणा पण साहेब जेवी दीवे वाटू चढ़ी नगारा उपर एम कहेवाय बरोबर तैयारी थई गई झालरना झणकार थया शंखना नाद थया अने नगारा उपर लाकड़ीओना घा मळ्या पड़वा धमामाम धमामाम ई नगारा उपर लाकड़ीओना घा पड़ता बूट संपल जोई गया आंदोलन माले राजीनामु आप्यु के आपणे एनी पासे जावू नथी शुं काम के लाकड़ियो खावानी तेवड़ होय ने ई परमात्माना चरण सुधी पहोंची शके साहेब लाकड़ियो एटले कोई टीका आवडो मोटो तमे काम करो छो साहेब अने एनी अंदर हुं तमने जवाबदारीपूर्वक कहूं के बे त्रण व्यक्ति तो एवी निकळशे ते के ई ई भाई अमने खबर छे ई बधुं केम थयुं ई सत्य कहू तमने सारू करशो अने एक 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 तमारा काळजामां लखी लेजो जेदी तमारी टीका थावा मळे तेदी तमे मानी लेजो के तमे प्रगतिने पंथे छो जारे तमारी टीका थाय जारे तमारो कोई खराब बोलवानुं शुरू करी दे त्यारे तमे मानी लेजो के तमे कोकना हरीफ थावानी तैयारीमां छो तमारी प्रगति छे कारण के हांख पाके ने त्यारे सूडा सांसू मारवा आवे पड़दा पाहे कोई न जाय पाक ऊपर आवे त्यारे एने कोक साचू मारे एमां मिठाश वधे छे त्यारे एने कोक तोड़े छे काचान कोई नहीं ले एम तो तमारी टीका थाय त्यारे मानजो के तमे कांईक प्रगतिमां छो। अने त्रीजी वात कोई पछी एम कहे ने फलाणा भाई फलाणानी वाहे पड़ी गया एटले बे जवाब एक तो ऊभा नथी पड़ी गया अने बीजो जवाब भागू छे साहेब बेहोन एकाद बे वातो करशुं तम तार अने आज कांई आ बस आ तमारी जवाबदारी होय ने बधी तमारे नंबर आम तो धंधा हेरक्या दो रात दी जागवाना मने खरेखर पोलीस अने मिलिटरी बे मन बहु गमे छे दिल थी कहू साहेब निकळे छे नथी कहतो पण दिल थी कहू पहली बात तो गमे छे कारण के एनो सिरताज आ देशनी राष्ट्र मुद्रा अशोक स्तंभ ए मिलिटरी ने पोलीस ने बेने ज मळे बाकी सीएम पीएम ने न मळे। त्रीजी बात आमां यूनियन नहीं हड़ताल पर न उतरे, उतरे तो आपणुं पूरुं थई जाय। हम पोलिस ने मिलिटरी एम कही दे कि अमारे एटलो पगार वधारो नकर 15 दी सुधी अमे हड़ताल उपर, तो 15 दी में वाह वधे। हूँ ये मन क्यों त्रीजी छेली बात के मिलिटरी ने तो खबर है कि हामे दुश्मन से, आने तो आपड़ा माली गोतवाना, आपड़ा यूनिफॉर्म माली गोत, एटले पोलिस ने वधारे अघरू। अने त्रीजो एक युवानो बैठा छो एटले खास कहूँ, अत्यारे तो मेस आवे एटले पछी कोई काई बाप ने जवाब देता न। बराबर जोव जो 100% हूँ एनी टीका नहीं करतो, पण जे हेतु थी बधा जोवे छे रसमय, एमां तेंडुलकर केवा एक बे छोकरा आउट थई जाय तो घणा खाता नथी। बोलो जो जीरो में तेंडुलकर जाए एटले घणा खाय ज नहीं। आपणे के जमी लो ताक जमे हूँ रमू क्या कोई ने, ई तारो बाप बीजू जमी लीधो हशे तू जमी ले, बीजू तो न जमे, आपड़ा खिलाड़ी बीजू न जमे 100%। हवे सांभळजो मारे जे केवुं छे 100% एटली ए देश प्रत्येनी दाज होवी जोईए माणसमां। एक भारतनो खिलाड़ी आउट थाय एटले 100% नाराजगी होवी जोईए, पण तरत अंदर बीजो पण एक भाव होवो जोईए कि बीजी मेचमां पाछो सदी फटकारशे, बंद नथी थई गयो। तो एक खिलाड़ी आउट थाय ने आखो भारत सन्नाटो थई जाय। क्रिकेटना प्रेमीओ आ लागणी जदी मारा ने तमारा हिमाड़ा हाचवीने बैठेलो मारो ने तमारो जन्नीनो जायो कोई फौजी घायल थी जाए तेदी एटली नाराजगी होवी जोईए कि एक अमारो युवान घायल थयो साहेब, ओलो तो बीजी मेचमां रमी शकशे पण आवो जन्नीनो जायो बीजो मळशे के केम साहेब एनी शंका छे। आ नोंध जदी लेवावा मळे तेदी लखी एकाएक मेरा भारत महान, आ तो खटरा माहे लखी नाख्यो मेरा भारत महान, साइड नो आपे एटले घणा तो। एक भाई साइकिल लीने निकळ्या ने एक दादा ने पसाड्या, दादाए बे ठपाट मारी, भाळतो नथी तो ओलो के बसी गया। एम क्यो के हूँ बसी जाए कि आज साइकिल लीने निकळ्यो, बाकी रोज खटरो लीने निकळो तो हूँ हाय जात। हाव एक ट्रक पीड़ो तो हाईवे ऊपर, तो एनी पाछळ बीजो ट्रक आव्यो भळो दई, ता तो आपड़ा तो तरत टॉमी लीने ज उतरे। टॉमी जाने केम खिस्सामां पड़ी होय हेठू उतेर लगे, पण भाई हवे हेठू भाळतो नतो। ए के उबर भाई रायडू नाख मां तार ट्रक वाय हुं लख्यो तू, तक सावन को आने दो जोया मारा ट्रक वाय, एना ट्रक वाय लख्यो तू आया सावन झूम के तमे न तमे आमंत्रण आपो न पाछा टॉमी यू ल्यो छो। आपणे केवुं बनवुं होय तो आपणा उपर आधार छे ने, तमे जो आपणी केवी तैयारी छे एना उपर आधार। तमारा आंगणानी अंदर तमे झार नाखशो एटले कबूतर उतरशे, चोखा नाखशो तो चकला उतरशे, हाथा मोतीड़ा वेरी गयो तो कोक दी हंस उतरशे, ई तो खोटी वात छे। हवे हासा मोती खाय एवा हंस मैं भेळ्या नत भाई, तमे कोई भेळ्या होय तो प्रणाम। घणी वस्तु ठामुकी सहज नहीं पण लखी नाखी। आ हूँ मानसरोवरे जेवो भगवाननी दयाथी, मानसरोवर में हंस हो एम कहीं मैं तो 8 दी या रोकाणा कहीं हंस भेड़ो नहीं, टाइट भाड़ी एटले बरफ पड़ता तो सण सणाटी गयो माइनस 5-7 डिग्री 20-20 डिग्री माइनस हंस हतो। हंस आपणे भेड़ो नहीं तोय तमे एम कहो तमारा भाग नहीं होय, भाग वगीनो कोई कैलास जवा मिळ्युं छे। न्या अमे पछी ई पेर न्या रे एने पूछ्युं न्या रहता हो बाजू एने पूछ मैं कहीं तब क्या हंस भेड़ा था कि अमे भेड़ा ना तमे सो हंस सो ले सरस। मैं कारण के ई थोड़ा काला ना अपने आईना थोड़ा एटले हंस जेवा लगता है। हंस है नहीं पण हंस कोने कहवाय, पानी नु पानी दूध दूध नु दूध कर नाखे, दूध ने पानी भेगू होय तो एम कहवाय कि ए दूध दूध ग्रहण कर ले, पानी ने पीड्यू रहेवा दे, आन नाम हंस। एनो अर्थ के कोई पण तमारो मित्र होय कोई पण व्यक्ति होय ने एमां दरेक माणसमां अवगुण तो पीड्या ज होय, अवगुण न होय तो माणस ज न कहेवाय, पण एमांथी गुण गुण ग्रहण करी ले आन नाम हंस। आपणे कोई पण जग्याए जमवा गया होय ने आखी थाळी आपणे आपे तो डायाबिटीस होय के ढेफला झीकी न लेवाय, जो कि हवे तो आ लग्न में एम जाए तो पीरहवा वाला देवा हो डायाबीटीस हो दह ढेपला खाई जाए कि लाइव गगी लाइ तारो हाथ ताल ठेला गोठो वली जाए गगी नो दीकरो था। बहु बहु अत्यारे सुधारा उपर आव्यो एटले अमुक वस्तु ए फिट थई गई है एम आपणे कई वांधो न हाले छे ने। मैंने घना उभा थे मैंने एम थे फाड़ो देवा आवता हशे एक एक जगह अनाथ आश्रम वाला फाड़ो लेवा निकल्या तो एक भाई बे छोकरा लखाया गाय लो अमर थी शुरू करो आ के माले हंस निकलो मने के फुलाई क्यों आ की बात चूकी जोला भाई उभा छे ये तो पूरू थी हाचा मोती नाखो वाह वाह मोती वेरो तो हंस आवे झार नाखो तो कबूतर आवे चोखा नाखो तो चकला आवे मोती वेरो तो हंस आवे लीलो चारो नाखो तो गायू आवे अने उकड़ा करो तो गधेड़ा आवे। आपड़ी हूं तैयारी से एना उपर आधार है पण मूल वात उपर के ए चांदो उग्यो चौकबा घायल चांदो उग्यो चौकबा और तारी हरिणियों हाथ में गई हालता शहर में हरजणिया। अरे मैं वो लगन की बात करतो तो अचानक खरेखर लगन गाळो एम छे मारा रोड पर आप निकली ने तो 50% गाड़ी तो वरराज सामू मे गाड़ियों हणगारेली होटले उभा हो बहुत मजा आए तब आम बारी मल डोकाव ने तो वरराजन कन्या बी बैठा गुल फीकाता वाह वाह क्या सोगड़िया जन्म छाय छे बोलो खरेखर जमानो आना थी, भाई आवो जमानो भगवान राम पाय हतो ये आपणो बाप छे 100% पण हती आवी व्यवस्था टळी गया हाली हाली सौ सौ वर्ष सुधी वळद खाधा केवा हैरान थईने गया है मांड जवान छ्या ता वनवास मिळ्यो तेने एम छ्यो वन में रहेवू था न्या घरनानो हरण छ्यो हजी भेगा थी आया घीरे ता धोबी बोलियो ता पासा वन में मूक्या ता ओलू घोड़ू काट्यू तो याने नेने दीकरे बांध्यू जोवो तो खरा केवा आपड़ा दीकरा आपड़ी हामा नत बोली एकता साहेब एटले भगवान नी कृपा ज कहेवाय ने हैं आवी गाडी ओच्यो ने पा आ कृष्ण पास 4 घोड़ा नो रथ हतो लियो अर्जुन के अहीं ली जात कबड़क कबड़क करता न्या ली जाए एटले में सोटा पड़ी गया था बिचारा मारा कहीं लेर करीने नत जाई 8 राणियों भगवान कृष्ण ने 8 राणियों ये क्या रे संबंध हारा नहीं तो तमे विचार जाजो दवार के ये एकलो मंदिर में उभो बाकी रूखमणे आम रिहाईने बैठा बाकी न्यो हाथ बेट में बैठियो भगवान एकला द्वारकाधीश एकला निज मंदिर में एकला तमाको झोळे उभा उन के 8 रज्यो पण कोई दी घरे खावा मिल्यो नहीं भाई हमणा संबंध हैदरा से एम कहता था आ वक्त जो मन के हमणा हारू से थोड़ो हाले छे एने बदले आज इना एनीज कृपा ए राम ने कृष्ण ने आपड़ा उपर केवड़ी कृपा के ए छोकरा वाकळी काल में तमे मने नथी भूल्या तो अमारी पाहे नहोतो एनी करता अनेक गणो तमने आपू जाओ लेर करो आ एनीज कृपा थी आ मिल्यो ने बधुं तमे सफरजन नो खाई लो तो भाव खदीने तमने कोई अमदावाद थी मुंबई पड़ो बोलो वाह मारो बाप वाह। चंदुभाई देवुभाई ठाकोर तेमना तरफथी 11,111 रूपिया आवे छे ताळवीना आगळ लाठी वधाओ शाबाश देवुभाई ना चंदुभाई देवुभाई ठाकोर बराबर ने हाँ एने कहेजो 111 बीजा आपी दे हूँ बोली गयो वधारे एटले हवे हुं छे मने वाय मींडा बोलता न आवडे खोटुं हुं को भण्यो नहीं ने एटले अने मींडा नी कई किंमत नहीं पण आगळ एकड़ो होय तो किंमत वधी जाय एम आपणे मींडा सही पण आपणे आगळ कोई सत्य आवीने बेही जाए तो आपणी किंमत बहु वधी जाए पछी मींडानी एकड़ा करता किंमत वधे हो। एक एकड़ो ने वाहे 2 मींडा होय अने पाछो एक ज मींडू लगाड़ो एटले डायरेक्ट 1000 पाछो एक ज मींडू लगाड़ो 10000 पाछो एक ज मींडू लगाड़ो लाख पाछो एक ज मींडू लगाड़ो 10 लाख नकर एक मींडू होतु त्यारे खाली 10 हता, बीजू मींडू आयु एटले डायरेक्ट 100 थया, त्रीजू एक ज मींडू वध्यु एटले 10000 थया। केम केम एक एक मींडानी किंमत કેટલી વધવા મળે? સે મીંડા એમ આગળ જો કાક સત્ય આવી જશે તો પછી પાછળ એક સામાન્ય વ્યક્તિ છે તો એ કિંમત વધશે। એ વાત ફાઇનલ છે। નકર એક ભાઈ નીકળ્યા કોઈ છે મરદનો દીકરો 100 રૂપિયા ઉશીના આપે, એક જણ કીધું થોડક આગળ જાવ આપશે કોક મુંડામાં। એમ આ ઉશીના માંગવાની રીત છે। एक भाई મને કીધું, મને કે 1000 રૂપિયા ઉચીના આપો ને। મેં કીધું હું તમને ઓળખતો નથી। મને કે ઓળખે કોઈ દેતા નથી। હું આ લગ્ન ગાળો મારામાં જોઉં ને ત્યારે મને તો લગ્ન જ મગજમાં ગળી જાય મારા। આમ હતું આવું 35 વર્ષ પહેલા કાંઈ। આ વડીલો બધા બેઠા પૂછો કેવી ભીમાં લગ્ન થાય છે। જોકે તોય લગ્નની વાત કરો તો 80 વર્ષના બાપાને લહેર આવે, કારણ કે એના લગ્ન એને યાદ આવે કે એક દી અમે તે ઘોડે તો ફળેલા। એમ લગ્નની વાત કરો તો ગમે કોને નહીં ખબર। 45 વર્ષ થઈ જાય લખણે રહી ગયો હોય એને તમે લગ્ન ની માંડો તો આપણો કે બીજી વાતો કરો, બીજી વાતો ફેરવો કાંઈક મંડાણો લગન લગન। ખરેખર એ કોકના ઢોલ વાગતા હોય તો ન સાંભળીએ, કોકના ઢોલ વાગતા ન્યા લાકડી લીધે આમ આ ગા વગાડો નહીં, ધબ્બુક ધબ્બુક સોટ્યા સોતે માથા સડાવ્યા લે ધબ્બુક ધબ્બુક। હવે નીકળશો તો એક બે ઊંધા થઈ જાઓ।